नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में आप देखेंगे वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन बनारस में हो रहे अमृत भारत योजना के तहत बनारस के 3 स्टेशन का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। तो उनमें से एक आपका वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन है, जिसका पुनर्विकास किया जा रहा है। आपका 63 करोड़ रुपये से, आज तारीख की बात करूं तो आज है 21 दिसंबर और दिन है गुरुवार का। तो चलिए बैक कैमरे से वीडियो शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको बनारस में हो रहे अमृत भारत योजना के तहत वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन पर क्या काम चल रहा है। ये आप सामने देख रहे हैं वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन, आपको बाहर से ही मैं दिखाता हूँ, जहाँ पर अप्रोच रोड का निर्माण कार्य चल रहा है। और फिर आपको स्टेशन पर ले चलूँगा और वहाँ से आपको दिखाऊँगा कि क्या कार्य चल रहा है। फिलहाल आप देख रहे हैं वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन। सामने देख रहे हैं वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन का मुख्य प्रवेश द्वार है, जिसका कि पुनर्निर्माण किया जाएगा। और यह आप देख रहे हैं चारों तरफ से बैरिकेटिंग किया गया है और कार्य प्रगति पर है। यह आप देख रहे हैं ये अप्रोच रोड बनाया गया है, जो सीधे आपका स्टेशन के मुख्य प्रवेश द्वार पर जाता है। नीचे में देखेंगे तो नीचे में यहाँ पर फ्लोरिंग कर दिया गया है। फिलहाल ऑटो रिक्शा बेतरतीब यहाँ पर खड़े हैं। जैसा कि देख रहे हैं अप्रोच रोड बना है, जिस पर ऑटो खड़ी है और यहाँ पर ये फुटपाथ जैसा बनेगा और यहाँ पार्किंग स्थल। ये देख रहे हैं इस स्टेशन बाहरी स्वरूप चेंज के करने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है। पूरा डिज़ाइन इसका सामने का लुक चेंज होगा। चलिए तो आपको यहाँ से मैं दिखाता हूँ, ये स्टेशन का मुख्य भाग है प्रवेश द्वार पहले वाला। और इस तरफ मैं आपको दिखाऊँ तो ये पूरा लंबाई में इस प्रकार के पिलर खड़े किए जा रहे हैं। और इसका पुराने भवन और नए भवन में अब काफ़ी अंतर होगा, क्योंकि इसकी पूरी डिज़ाइन आपको चेंज मिलेगी, जिसकी आप देख रहे हैं तैयारी किस प्रकार चल रही है। यह है आपका वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन पर हो रहे पुनर्विकास के कार्य में क्या तैयारी है, वो आप देख रहे हैं। एक बार मैं आपको दिखाऊं तो यह है अमृत भारत योजना के अंतर्गत यहाँ पर आप देखते हैं वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन, VCY इसका शॉर्ट है। स्टेशन भवन पर नए फसाड का कार्य होगा, यात्री प्लेटफॉर्म पर नए छज्जों का निर्माण होगा, लिफ्ट और स्वचालित सीढ़ियों के निर्माण कार्य होंगे, 12 मीटर चौड़े आपका फुट ओवरब्रिज का निर्माण होगा और प्लेटफॉर्म पर सीलिंग पर फॉल सीलिंग और लाइटिंग का करके इसको सुंदर बनाया जाएगा। और सर्कुलेटिंग एरिया में सुधार के कार्य, सड़क नाली पार्किंग एरिया आदि, ये सभी आप देख रहे हैं वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन। और ये देख रहे हैं प्रवेश द्वार वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन का, जहां पर देख रहे हैं कि किस प्रकार इसका निर्माण कार्य चल रहा है। सामने में ही मैं आपको दिखाऊं पास चलकर, तो यहाँ पर पिलर खड़ा करके इसका स्वरूप कुछ चेंज किया जाएगा। चारों तरफ आप देखेंगे तो पिलरों का निर्माण करके इसको नया लुक प्रदान किया जाएगा। सामने
सामने देखेंगे तो वहाँ पर टिकट काउंटर है और चलिए अब चलते हैं आपको अंदर की तरफ लेकर। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि इसका सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है अमृत भारत योजना के तहत। यह तो चलिए अब चलते हैं प्लेटफॉर्म की तरफ लेकर आपको। वजह है कि ये पुराना भवन देख रहे हैं, ये पूरा इसका डिज़ाइन चेंज होगा अमृत भारत योजना के तहत। मैं आ गया हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और यहाँ मैं आपको दिखाऊँ कि ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सौंदर्यीकरण काम के तहत ये आप देख रहे हैं ऊपर में फॉल सीलिंग का काम चल रहा है प्लेटफॉर्म पर और छपरा दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन पर खड़ी है। ये देख रहे हैं आप इसका फॉल सीलिंग का काम फिलहाल चल रहा है। वाराणसी सिटी पर क्या काम चल रहा है। चलिए आपको ले चलते हैं 2, 3, 4 और 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर और फुट और ब्रिज से मैं आपको नीचे का दृश्य दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं काफ़ी ये चौड़ा फुट और ब्रिज बना है और इसी प्रकार फुट और ब्रिज का निर्माण कार्य यहाँ होगा। यहाँ मैं आपको दिखाऊँ तो 2, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पर एक्सकेलेटर फिलहाल लगेगा जिसकी तैयारी चल रही है। और ये आप देख रहे हैं 4 और 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर भी एक्सकेलेटर लगाया जाएगा। अमृत भारत योजना के तहत इन सभी स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है जिसमें से आप देख रहे हैं वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण के लिए यहां पर देख रहे हैं एस्केलेटर निर्माण के लिए गड्ढा खोदा जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको 3 और 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर दिखाया। ये सभी दृश्य आप देख रहे हैं फुट और ब्रिज से नीचे की तरफ, ये 4 और 5 नंबर प्लेटफॉर्म है। तो चलिए अब नीचे चलते हैं प्लेटफॉर्म पर। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म के छज्जों की लंबाई भी बढ़ाई जाएगी यानी कि शेड लगाकर उसको बड़ा किया जाएगा। फिलहाल अभी काफ़ी छोटे छोटे शेड हैं। ये है 2 और 3 नंबर प्लेटफॉर्म। यहाँ पर टोटल 5 प्लेटफॉर्म हैं जिनमें से आप देख रहे हैं 2 और 3 नंबर प्लेटफॉर्म
आगे की तरफ। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर सभी प्लेटफॉर्मों पर एस्केलेटर लगाया जाएगा और लिफ्ट की भी सुविधा होगी। एक नया फुट ओवर ब्रिज भी बनाया जाएगा। यह है 3 नंबर प्लेटफॉर्म। वाराणसी गोरखपुर यहाँ देखेंगे तो ये तैयारी चल रही है। प्लेटफॉर्म की लंबाई यहाँ पर बढ़ाई जाएगी, जिसके लिए यहाँ पर लोहे का फ्रेम लगाया जाएगा। जैसा कि तैयारी देख रहे हैं आप, बेस तैयार किया जा रहा है। सभी प्लेटफॉर्म पर तो चलिए अब चलते हैं 1 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ। ऊपर से आपको दिखाया फुट और ब्रिज से इस खूबसूरत वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन का पहला प्लेटफॉर्म है, और इस तरफ 2 और 3 और 4 और 5। जितना भी आप देख रहे हैं, इन सभी पर पूरी लंबाई में आपका शेड का निर्माण किया जाएगा, जिसकी तैयारी नीचे मैंने आपको दिखाया कि बेस से तैयार किया जा रहा है और आगे में ही फ्रेम तैयार किया जा रहा है। तो चलिए आपको वहाँ भी एक बार दिखा देता हूँ कि किस प्रकार फ्रेम तैयार किया जा रहा है प्लेटफॉर्म के शेड की लंबाई बढ़ाने के लिए। देख रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 1, देख रहा है इसका सौंदर्यीकरण के फलस्वरूप ये किस प्रकार दिखाई दे रहा है। इसका ऊपरी भाग यानी कि फॉल सीलिंग किया जा रहा है इसको, और यहाँ पर आधुनिक तरीके से मशीनों के द्वारा सफाई भी होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सभी देश स्वागत हैं वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन का। इसलिए आगे की तरफ आपको मैं दिखाऊं जहाँ पर इस स्टेशन के शेड की लंबाई बढ़ाई जाएगी, उसके लिए क्या तैयारी चल रही है। देखेंगे तो यहाँ पर पेड़ अगर विकास में बाधा बनेगा तो उसे ऐसे ही कटना पड़ेगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यह है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर काफ़ी विशाल ये पीपल का पेड़ है, जिसकी की कटाई कर दी गई है, क्योंकि यहीं पर आपका आगे की तरफ शेड प्लेटफॉर्म नंबर 1 का आएगा, जिसके बीच में ये पेड़ आ जा रहा था। यहाँ पर देखें, यहाँ पर लोहे का फ्रेम खड़ा होगा, और आगे मैं आपको दिखाऊं तो इस प्रकार के फ्रेम बन रहे हैं। देखें, ये प्लेटफॉर्म के शेड की लंबाई बढ़ाने के लिए इस प्रकार के शेड तैयार किए जा रहे हैं। ये सभी दृश्य आप देख रहे हैं वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन का, जहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाई जाएगी और इसकी तैयारी चल रही है।
के लिए आगे तक आपको दिखाते हैं। काफ़ी लंबाई में इस शेड बनाया जाएगा। अमृत भारत योजना के तहत इन सभी प्लेटफॉर्मों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है, जिसमें से आप देख रहे हैं बनारस के 3 स्टेशनों में से एक स्टेशन है वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर विराम देता हूं इसी दृश्य के साथ, और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, हर हर महादेव।